इसकी पिछले क्लास में हमने अवयवों के गुण में गुणधर्म में उनके संक्रियाओं के गुण चल रहे थे, योग संक्रिया के गुण पढ़े थे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव ऑपरेशन हमने पढ़ा था, जिसे हमने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताया था। अब हम आपको बताएंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में यह है कि यदि कोई अवयव आपको दिया गया और उस अवयव में हम किसी ऐसे अवयव को ऐड कर दें कि उसका जो वैल्यू आए वो जीरो मैट्रिक्स को शो करने लगे, तो ऐसे अवयव को, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं क्या, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम, यह अगला प्रॉपर्टी है, अगला गुण है, योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इन्वर्स अब सपोज कर लो, इसमें ध्यान देना, यदि ए बराबर ए आई के एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है या एक आव्यूह है, तथा कोई अन्य आयु भी है तो आयु भी डी आयु ए का एक योज्य प्रतिलोम होगा यदि और एवं यदि और केवल यदि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाए जीरो, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए, यानी कि जो योग्य प्रतिलोम होगा, योग्य प्रतिलोम बराबर माइनस इतना होगा ए के बराबर हो जाए। ध्यान देना, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए मैट्रिक्स एन एनदर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज बी विथ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन बी इज एडिटिव इन्वर्स इन्वर्स ऑफ ई इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना जीरो, इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस ए, सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ये हो जाएगा
किसका किसका ये हो जाएगा योज व्युत्क्रम, यानी कि बी को ए का योज व्युत्क्रम हम कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ध्यान रखें योज प्रतिलोम को ध्यान से देखना, जो मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा उस मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होगा वही उसका क्या कहलाएगा योज प्रतिलोम कहलाएगा। इसलिए अब ध्यान देना, इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एज एग्जाम्पल हम यहां पे देखेंगे कि यदि ए बराबर 2, 3, -3, 1 2×2 का एक आव्यूह है, एक आव्यूह है तो if a is a matrix then to योज प्रतिलोम ज्ञात करो, योज प्रतिलोम ज्ञात करो, then find additive inverse। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू कितना माइनस ए लिखा गया है, यानी कि ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा बराबर माइनस ए। तो माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई माइनस अंडर ब्रैकेट कितना जाएगा 2, 3, -3 यदि वैल्यू कितना जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबने -2, -3, +3, -1 ये क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 आ जाएगी, 2 -2 = 0, 3 -3 = 0, -3 + 3 = 0, 1 - 1 = 0, ये आपका क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने का एक तरीका हो जाएगा। अब हम इसके साथ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो अब इसमें हम पढ़ेंगे निल्सन का नियम, यानी कि कैंसलेशन लॉ। यहां पढ़ेंगे निल्सन नियम, कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ में ध्यान देना, कैंसलेशन लॉ में यह है कि यदि दो टर्म तीन मैट्रिक्स है एबीसी, यदि तीन आव्यूह ए बी व सी समान क्रम के हैं, समान क्रम के हैं, यानी कि ए बी सी ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स
with same order, same order. तो ध्यान देना क्या हो, पहला ऐसे होगा यदि a प्लस बी बराबर यदि a प्लस सी दिया हो तो b बराबर सी हो, क्या होगा b बराबर सी, यह होगा बायां निरसन, यानी यह होगा बायां निरसन, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन, ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें होता है यदि मान लो बी प्लस सी एजिक्वल टू सी प्लस ए दिया हुआ है तो यहां भी बी बराबर सी होगा, लेकिन ये दाएं पक्ष से कट रहा है इसलिए यहां हो जाएगा क्या, दायां निरसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दायां निरसन, इसलिए यहां पे लिखेंगे क्या राइट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन की बात है। इस प्रकार से ये हमारे सामने कैंसिलेशन द्वारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के लिए यूज किया गया है, यानी कि आव्यूह योग के कुछ गुण यहां पे आपको बताए गए। अब हम इसमें लेंगे आव्यूहों का गुणन, क्या लेंगे आव्यूहों का गुणन, तो इन दोनों आव्यूहों में
गुणनफल तभी संभव हो सकता है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के समान हो जाए। जैसे हमने अपने धंधा एक बार यानी सुनने वालों के लिए इफ ए एंड बी आर गिवन टू मैट्रिसेस देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ देम ए बी इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। यही चीज ध्यान देना, जो चीजें लिखी गई हैं यही यदि बीए कहा जाएगा ध्यान देना, बीए कब संभव होगा, जब बी के स्तंभों की संख्या बराबर ए के पंक्तियों की संख्या हो, ए के पंक्तियों की संख्या हो, यानी कि बी ए इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए, तब क्या होगा, बी ए संभव होगा। और ए बी कब पॉसिबल होगा, ए बी पॉसिबल होगा तब जब ए के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब ध्यान रहे इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो हमने थ्योरी आपको दी है हम उस पर विचार करते हैं। एन एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए आई जे, ध्यान रखना एम क्रॉस एन है, और बी इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी है। ये जब का दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं, अब इसमें आप देखोगे कि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। देखो ये है नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, और ये है नंबर ऑफ रो पंक्तियों की संख्या, क्या है पंक्तियों की संख्या। ये दोनों इक्वल हैं इसलिए ए बी इज पॉसिबल, ध्यान रख ए बी
संभव होगा, यानी कि ए भी संभव है। लेकिन यदि बी ए निकालना तो बी ए बराबर याद ना बी आई जे एम क्रॉस पी इंटू यहां पे ए आई जे एम क्रॉस एम नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी कि पी इज नॉट इक्वल टू कितना एम, सो बी इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बी ए संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये एग्जाम्पल से आपको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि कैसे किया गया। अब हम आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। लेकिन इसमें जो मल्टीपल के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी क्रम क्या होंगे ध्यान में रखना। यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम तथा बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस पी दो आयु हैं तो इनके गुणन से प्राप्त आव्यूह AB का क्रम कितना होगा अब ये जानने की जरूरत है। तो जो कॉमन होगा हम उस कॉमन को, इसमें ये कॉमन है इसमें ये कॉमन है छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो हमारे पास बचता है वह इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगा उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा क्रम हो जाएगा। ध्यान इफ ए इज इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एम एंड तथा एंड B इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस बी आर टू मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ देयर मल्टीपल मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम क्रॉस पी। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उस मैट्रिक्स का क्या क्रम होगा। अब हम आगे आते हैं इसमें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अब देखो ध्यान देना हमेशा जो पंक्ति है उसके दूसरे आदमी के स्तंभों के प्रत्येक अवयव में संगत अवयवों का गुणन करके जोड़ देते हैं। देखना मैं करने का तरीका बता रहा हूं, अब देखो ध्यान रखना इसको सीखने की जरूरत है। पहला यदि ए बराबर सपोज ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ये टू क्रॉस टू क्रम
का एक मैट्रिक्स है, दूसरा बी बराबर दिया गया बी वन वन बी टू वन बी वन टू बी टू टू, ये भी टू क्रॉस टू का है। यानी कि यदि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, दोनों ही वर्ग आव्यूह हो, तो दोनों के वर्ग आव्यूह होने पर ए बी और बी ए दोनों ही संभव है, क्योंकि इसके पंक्तियों की संख्या धारण स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। जब बी ए निकालोगे तो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे स्थिति में ए बी एंड बी ए बोथ आर पॉसिबल, यानी कि ए और बी का गुणनफल, बी और ए का गुणनफल, ये दोनों ही अस्तित्व में होंगे, दोनों ही संभव होंगे। बोथ आर पॉसिबल व्हेन बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन हम इसको कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ध्यान रखना, ए बी निकालते हैं, ए बी निकालने के लिए यहां पर हम लिखेंगे ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, यहां पे हम लिखेंगे ध्यान रखना बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू, ये टू क्रॉस टू का, ये भी टू क्रॉस टू का। अब देखना ध्यान में, पहली पंक्ति का ये देखो, ये पहली पंक्ति हो गई और ये पहला स्तंभ हो गया, इसलिए सबसे पहले पहले का पहले को मल्टीप्लिकेशन ध्यान रहा, इसका मतलब है कुछ नहीं, ए वन वन का बी वन वन के साथ बी वन वन अब प्लस कर देंगे, ए वन वन बी वन वन देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे पहले, इसलिए यहां पे हो गया ए वन टू बी टू वन। सुनने पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले अवयव का मल्टीप्लीकेशन पहले अवयव से दूसरे अवयव का मल्टीप्लीकेशन दूसरे अवयव से, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों को एड कर देंगे। समझ में आया, अब ध्यान रखना इसको हम अब हटाएंगे। अब इसके बाद ये हो गया, अब दूसरा स्तंभ इसका लेंगे और इसका फिर वैसे ही करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, जब मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा, ए वन वन बी वन टू प्लस ए वन टू बी टू टू, ये यहां पर। अब हम जब ये ऊपर वाला इसका समाप्त हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो अब क्या करेंगे, ध्यान रखो, अब फिर शुरू करेंगे इसका दूसरी पंक्ति को हम लेंगे।
जो काम आपने ऊपर जैसे किया है ठीक वैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन बी वन से, इसलिए ए टू वन बी वन वन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इससे ए टू टू बी टू वन हो गया। अब ये प्रोसेस जब खत्म हो गया तो अब इसका काम खत्म, अब जब ये खत्म हो गया तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो ये यहां आ जाएगा ए टू टू बी वन टू प्लस ए टू टू बी टू टू। हमने कहा था ना देखो कॉमन वाला फंक्शन जब हटाओगे ये जिसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो जो बचेगा वही इसका क्या जाएगा क्रम हो जाएगा, इसलिए यहां पे जो क्रम आएगा वो कितना आएगा टू क्रॉस टू का आएगा। समझे? अब हम आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब एक एग्जांपल देते हैं इसकी, एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि ए बराबर टू थ्री फोर फाइव टू क्रॉस टू का वर्ग आव्यूह है तो ए स्क्वायर वर्ग ए क्यूब ज्ञात है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करके जाना, वैसे ही किया गया ठीक उसी तरह से। सॉल्यूशन में हमने ए बराबर लिया टू फोर थ्री फाइव टू क्रॉस टू, हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर, देखना ध्यान देना टू फोर थ्री फाइव टू क्रॉस टू इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होता है, ध्यान देना ए इंटू ए बराबर कितना होता है ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ देंगे, दोनों जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, वही वैल्यू है टू फोर थ्री फाइव टू क्रॉस टू, अब वैल्यू को ध्यान देना इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू कितना 4, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया, अब हम इसको लेकर आएंगे इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें तो 2 3 का कितना 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 में तो 3 5 का कितना जाएगा 15, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब इसके लिए सूत्र के ध्यान देना, ये हो गया पहली। अब सूत्र करेंगे 4 का, तो 4 का 2 में 4 2 जा 8, 5 का 4 में 5 4 जा कितना होता है 20। अब क्या करेंगे फिर 4 का करेंगे, 4 किसमें 4 का 3 में तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 5 का किसमें करोगे 5 में 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 2 प्लस 2 का। अब इसको ऐड कर दो इज इक्वल टू कितना तो 12 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 16, 20 और 1 मिलके हो जाएगा कितना 28, 15 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 21 और 25 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 37। इस प्रकार से हमारे सामने आया फिर क्या 2 प्लस 2 ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो आज बस यहीं तक।